नमस्कार है आप सभी को। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पीके स्मार्ट इलेक्ट्रिकल गुरुजी हमारा चैनल है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑटो और मैनुअल में कैसे चलाते हैं मोटर को, जैसे पानी का मोटर हुआ या आप थ्री फेज का मोटर हो, लेकिन ज़्यादा करके लोग पानी के मोटर में यूज होता है, ऑटो और मैनुअल प्लांट में भी यूज होता है। ऑटो और मैनुअल हम आपको बनाने के लिए, देखिए हमारा कंटेक्टर भी है एलएनटी कंपनी का और सिलेक्टर स्विच है और पुश बटन मैनुअल एनसी भी है। हम आपको आज बताएंगे ऑटो और मैनुअल कैसे चलाते हैं, ऑटो और मैनुअल चलाने से क्या फ़ायदा है आपको। अगर कहीं घर में टंकी में पानी होने का, आपको टंकी है उसमें आप लगा सकते हैं आराम से, रात को सो जाएंगे तो भी पानी कम होगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा ऑटो और मैनुअल में। तो आज हम आपको हम बता रहे हैं चलाने का, मतलब बनाने का, कैसे बनाते हैं इसको, वो हिसाब से हम इसको थ्री फेज में बता रहे हैं। आप लोग सिंगल फेज में भी बस वायरिंग वही कर सकते हैं, कॉन्टेक्टर भी वही रहेगा, बस वो सिंगल फेज के लिए भी आप दे सकते हैं। 220 वोल्ट देंगे तो आउट भी 220 वोल्ट होगा, उसी हिसाब से पावर लाइन होगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं इसको कैसे कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे, पावर लाइन जो है हमारा 220 वोल्टेज है, सबसे पहले हम लाएंगे रिले में। ये देखिए कंडक्टर के रिले में हम लाइन दिए हैं, ये रहा हमारा कंडक्टर के रिले में लाइन दिए हैं, देख लीजिए। जो हमारा कंट्रोल के लिए रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो ट्रिप भी हो सकता है या आप कंट्रोल की लाइन भी काट सकते हैं। थ्री फेज भी अगर ना काटना हो तो कंट्रोल काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 220 वोल्ट के लिए ये आ गया हमारा, और रिले से हमारा एक तार ले लीजिए जो आउट कीजिए, वो हमारा आ जाएगा सिलेक्टर स्विच में, जो आउट से निकलता है। ये एनसी पॉइंट है, एनो पॉइंट नहीं है, एनसी पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं हम ये ले लिए हैं। अब यहाँ से जो आउट हुआ है ये आप सेलेक्टर स्विच में ले आइए, सेलेक्टर स्विच में देखिए A1 लिखा हुआ है, A1 में दीजिएगा तो इसके आउट में होगा, तो हम A1 में दे रहे हैं। हम अपना अब इसको यहाँ से आउट करेंगे, जो हमारा आउट हो गया ये हमारा आउट होगा, जो ये आउट हमारा, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको क्वाइल में भी दे सकते हैं, हम क्वाइल में दे देते हैं, एनओएनसी में नहीं देते हैं, आपको समझ आएगा। ये हमारा डायरेक्ट क्वाइल में आ गया 220 वोल्ट। अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ऑटो, अब इसको मैनुअल बनाने के लिए अब क्या करेंगे, हम यही जो है अपना लाइन, ये दूसरा लाइन यहीं से ले लेंगे, सेलेक्टर स्विच से ही निकालेंगे। जो हमारा सेलेक्टर स्विच में ये पॉइंट कटेगा तो ये पॉइंट हमारा चालू हो जाएगा सप्लाई के लिए, और ये सप्लाई जो है 220 वोल्ट है, जो ये हमारा आ जाएगा एनसी पॉइंट में, एनसी पॉइंट के जो एक नंबर है टर्मिनल, एनसी पॉइंट के जो पुश बटन है उसको एक नंबर में डाल दीजिए। हम यहाँ से निकालेंगे दो नंबर, ये दो नंबर हमारा, ये जो ये स्टार्ट करते हैं बटन जिसको एनो बोलते हैं, एनो पुश बटन, इसके दो नंबर ये तीन नंबर में ज्वाइंट आ जाएगा। और यही तीन नंबर से एक तार और लेंगे, ये देखिए एक तार और इसी में हम डाल रहे हैं तीन नंबर से, ये तीन नंबर हमारा पावर केबल है 220 वोल्ट, जो जैसे DOL कनेक्शन करते हैं उसी हिसाब से इसका भी कनेक्शन है। ये हमारा आ जाएगा कंडक्टर का जो NONC ब्लॉक लगा हुआ है, तो NO के ब्लॉक में आ जाएगा तीन नंबर,
और चार नंबर हम निकालेंगे। कंटेक्टर है, कंटेक्टर के एनो में जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसमें आ जाएगा, जो हमारा कोयल के लिए सप्लाई जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक तार यहीं से ले रहे हैं, जो ये हमारा कोयल के लिए जाएगा। 220 वोल्ट है, ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे तो कोयल जल भी सकता है। ये हमारा मैनुअल का कनेक्शन हो गया, अब पहले ऑटो का कनेक्शन था। चलिए हम इसमें हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे ऑटो और मैनुअल कैसे होता है। अब इसको हम आपके सामने इसको ऑटो कर मैनुअल करके ऑपरेट करके बताएंगे कैसे ऑपरेट होता है, आप देखते रहिएगा। न्यूट्रल है, जो कंटेक्टर का कॉइल में से जो है वो न्यूट्रल है। ये हमारा लाइन है, अब इसमें हम सप्लाई देंगे। ये हमारा टेस्टर से देखिए फेज आ रहा है, ये हमारा फेज दे दिए हैं MCB में। चलिए अभी इसमें पावर देने जा रहे हैं। देखिए हमारा ये रहा फेज और ये रहा हमारा न्यूट्रल, जो हमारा फेज न्यूट्रल आ गया 220 वोल्ट, MCB ऑन हो गया। अब देखिए ये हमारा सेलेक्टर स्विच अभी ऑफ है, ये एक नंबर में हमारा ऑटो हो गया, जो हमारा कंटेक्टर लग गया। और इसको दो नंबर में करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा, पुश बटन जब दाबेंगे तब लगेगा। देखिए हमारा कंटेक्टर लग गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको एक बल्ब हम CFL जला के अभी बता देते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी इसको ऑफ करते हैं। चलिए अभी देखिए कंटेक्टर को आपको ऑटो और मैनुअल में चलाएंगे। थोड़ा तार हमारा बड़ा बड़ा है, आप देख लीजिएगा, हमारा सब तार अलग अलग है, कहाँ से कैसे तार जुड़े हैं। हमारे वीडियो भी देखिएगा तो समझ आ ही जाएगा। अब इसको ऑपरेट करके आपको बताते हैं ऑटो और मैनुअल में। जैसे अभी देखिए हमारा सेलेक्टर स्विच ऑफ है, इसको एक नंबर पे करते हैं। देखिए ये हमारा ऑटो में हो गया, हमारा कंटेक्टर लग गया, हमारा बत्ती बल गया। ये आपका एक नंबर में ऑटो है, अब इसको दो नंबर में करेंगे तो हमारा मैनुअल हो जाएगा। दो नंबर में मैनुअल के लिए हमारा जो ये हरा कलर का पुश बटन है, पुश बटन हम दबाएंगे तो देखिए हमारा बत्ती बल रहा है। अभी अभी इसको चाहेंगे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, यहाँ से भी आपको ऑफ हो जाएगा और सेलेक्टर स्विच से भी आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। और इसे ऑन करेंगे तो नहीं होगा, जब तक पुश बटन मैनुअल में नहीं दाबेंगे जब तक नहीं होगा। पुश बटन में जब दबाइएगा मैनुअल में तभी ऑन होगा। अभी इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। और ये एक नंबर में ऑटो है, एक नंबर में ऑटो और दो नंबर में मैनुअल है। बताए हैं हम आप कंडक्टर और सेलेक्टर स्विच और पुश बटन को मिला के कैसे ऑटो और मैनुअल बनाते हैं। ये आपको ऑटो मैनुअल कहीं भी लगा सकते हैं, घर के पानी टंकी में भी लगा सकते हैं, चाहे तो कंपनी में भी लगा सकते हैं। पैनल में ये सब रहता है, जितना कंडक्टर है आपका, उसके बाद सेलेक्टर स्विच है, ये सब है आपको ऑटो मैनुअल में हम बताए हैं चलाने के लिए। आज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके जितना शेयर कर दीजिए। और ये सब मतलब ज़रूरी है, जो भी हमारे भाई नए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। घर बैठे बैठे उनको जो भी होगा इलेक्ट्रिकल में हम अपडेट करेंगे, सिखाएंगे। जैसे ऑटो मैनुअल हो गया और उसके बाद स्टार्टर का भी हो गया, बोर्ड स्विच का भी हो गया, हाउस वायरिंग का भी हो गया। और जो भाई हमारे से एकदम लाइफ में भी सीखना चाहते हैं उनको भी सिखाएंगे। हमारा नंबर है 98072-35184। कमेंट में भी हम अपना नंबर दे देंगे, वीडियो में भी हमारा नंबर है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके जितना शेयर कीजिए। नमस्कार।